क्या चीज है, चैलेंज है, चैलेंज है सबको, जितनी ऑडियंस देख रही है उनको चैलेंज दे। ये आप में से कोई भी ये कर देगा, मैं कौन करेगा, कौन करेगा। म्यूजिक करना तो था ही था, जो पीछे तीन महाशु महोदय सो रहे थे उनके घराणों की इतनी मधुर धवनी आवाज आ रही थी। फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। फोटोग्राफी की डेफिनेशन है, इट्स एन आर्ट डिटर्न बाय लाइट। तो ये साउंड लग चुकी है और अब चल रहा है साउंड टेस्ट। अब आपको बता ही देता हूँ भैया कौन आने वाला है। भैया आने वाले हैं नन अदर देन, आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो ये सर को अभी एक पुतले नजर आए, उनका अभी भयंकर के आते हैं। हाँ जी दिखाओ सर, आओ आओ सर। और जो नीचे पुतले रखे, मुझे बताया अभी जो बिल नहीं देते उनका ये असर होता है। और इनको हमें दिखा रहे हैं, इनको हमें एक स्पेशल फीचर करने वाले हैं। अरुण भाई पार्ट टू। बजुका वर्ल्ड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भैया जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली कलसीबाजी यहाँ पर है, और आज एक इवेंट होने जा रहा है। इवेंट बड़ा ही खास है, उस इवेंट का आज व्लॉग दिखाएंगे। दिल्ली में इवेंट हो रहा है, वहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं ये सारी चीज़ें बताएंगे। अरुण भाई है अपना, हरसिमरन भाई है, और साथ ही साथ एक और अरुण भाई पार्ट टू है, उनके पैर दिखा दिए हमने आपको। और दिल्ली जा रहे हैं, खूब सारी मस्ती होगी। कलसी साहब ने वादा किया है कि वो सारे ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहे हैं, पर जो सारा फाइनेंस है वो मुझे पूरी सब दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे स्पॉन्सर करने के लिए उन्होंने काबिल बनाया, और इसमें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारे अरुण जी की भी है, क्योंकि मैं तो फकीर हूँ। मोदी की तरह जाता हूँ, झोला उठा के आता हूँ, झोला उठा के चला जाता हूँ। जय हिंद। और ये अपना लाइव देख रहे हैं, ये लाइव इनकी टीम कर रही है, ये हमारे साथ टीम बना के चले हुए हैं। इनका आधा फोकस उधर ही रहेगा लाइव में, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इस समय कार में हूँ, मेरी मौजूदगी कार में है, मैं कार वालों को दिल लगा के रखूंगा और साथ में आपका भी दिल लगा के रखूंगा। अरुण टू जी ने देखो सामने आएंगे नहीं, बड़ा अच्छा ट्रिप चल रहा है। बात ऐसे है कि भैया पहली बार इस गाड़ी में पांच लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब चार लोगों के साथ तो ट्रैवलिंग की है विद फुल लोडेड गाड़ी, लेकिन आज पांच लोगों के साथ पूरी लोड करके ये गाड़ी जा रही है दिल्ली, और दिल्ली से वापस आएगी। और पूरा का पूरा जो भी इवेंट होगा, तामझाम होगा, वो आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ी सी गाड़ी चलाते हैं, आगे कहाँ रुकेंगे कलसी साहब बताएंगे, जहाँ पर स्पॉन्सर करेंगे वहाँ पर रोका जाएगा। क्यों कलसी साहब, आप भी मुझे फाइनेंस सपोर्ट कीजिए और मैं आपको भी सबको स्पॉन्सर करता रहूँगा, क्योंकि मैं तो एक फकीर हूँ। और आज हमारा जो पहला दौरा होगा, जैसे हमें भूख लगेगी, पेज लगेगा, हम करनाल के पास किसी रिसोर्ट में बैठ करेंगे, फास्ट फूड लेंगे और उसके आगे आगे प्रस्थान करेंगे। फास्ट फूड में क्या लोगे सर आप? हाँ जी फास्ट फूड में मैं शाकाहारी हूँ सर। आपने डिमांड शुरू कर दी? हाँ जी हाँ जी, मैं शाकाहारी हूँ मैं, और मुझे खुशी होगी कि मुझे शाकाहारी में जो भी मिलेगा मैं उसके व्यंजन का पूरा मंजन से खाऊंगा और सेवन करूंगा, और अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखते हुए कोई भी ऐसी ओवरईटिंग नहीं करूंगा और ना ही बच्चों को करने दूंगा। जिस प्रकार मैं अपना हेल्दी जीवन जहाँ तक लेकर आया हूँ, और आपको भी फूड के बारे में बताता रहूँगा भी कौन सा फूड बढ़िया रहेगा कैसे रहेगा। अभी हम कोरोना काल में दो बार कोरोना करके भी जीवित हैं, इसलिए क्योंकि हम सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, सर्दी से बचें, और अच्छे काम कर समाज में अच्छी पहचान बनाने के लिए हमेशा योग्य रहिए, और खूब जो मजे कीजिए जिंदगी में, कोई संकोच ना कीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, किसी को देख कर नहीं जीनी, बशर्त किसी को कष्ट ना हो। जी हाँ। तो हमारे हैपनिंग भाई कलसी भाई हमारे से छोटे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हो ना सर? हाँ जी मैं सिर्फ 60 साल का छोटा हूँ, ये मुझसे 15 साल बड़े हैं, ये 45 के हैं। अरे नहीं अन्ना भी नहीं पीछे तो बुजुर्ग ही बैठे पीछे बुजुर्ग ही बैठे अरे बिल्कुल नहीं। चलो यार हम गाड़ी चला रहे थे, थोड़ी आगे निकलते हैं, सर को शाकाहारी खाना खिलाना है, वो भी इन्होंने डिमांड कर दिया। बाकी बुजुर्ग होंगे दोस्त, मैं उसको अपना मैं जंक मानूंगा जो ये आज का मैंने ना ये ब्लॉग में डाला मैंने। हाँ डाला, ये कोई भी आप में से कर देगा मैं अपने को बुढ़ा मानूंगा, इनमें से कोई भी कर देगा। क्या क्या चीज है, क्या चीज है, चैलेंज है, चैलेंज है सबको, जितनी ऑडियंस देख रही है उनको चैलेंज दे। ये आप में से कोई भी ये कर देगा मैं कौन करेगा, कौन करेगा। ये दो दर्जन मारे हैं मैंने 24 हैं, एक साथ सिंगल हैंड पुशअप मैं कर दूंगा। हाँ जी तो ठीक है, कोई भी कर देगा। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, कोई भी कर दे, मैं अपने को बुटा एक हाथ से कर देना पुशअप। हाँ जी सिंगल हैंड पुशअप 24। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आज हमें एक बंदा मिल गया हमारे साथी जो हमें बेसिकली मैंने जिमिंग काफी देर से छोड़ी हुई है क्योंकि सर्दियां आ रखी थी, 5-6 महीने से गया नहीं हूँ, लेकिन आज ट्राई कर लेंगे, जहाँ पर रोकेंगे वहाँ ट्राई करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज मुझे एक शख्स जो जवान करने जा रहा है वो हमारा सुनीश पुरी जी है, जो किसी पीछे के मोहताज नहीं है,
जिन्होंने कई सेलिब्रिटी की इंटरव्यूज लिए हैं, उनको निखारा है, उनको सवारा है, उनकी पहचान बनाई है, और मुझे भी सेलिब्रिटी बनाने में सबसे बड़ा योगदान इनका ही है। मैं कहता हूँ मेरा डेब्यू इनसे हुआ है और इनके हर फोन कॉल पे मैं चला आता हूँ। अब हम भी चले जा रहे हैं, लेट्स मूव अहेड, पता नहीं कितने रुकेंगे। सर ने सर आपने डिमांडिंग नहीं हो गया, आप बैठते ही खाने की बात कर दी आपने। जी ऐसा है कि आपकी संगत का असर है, जिस प्रकार आप बार बार हमें हर चीज़ के काम देने के बाद हमसे भी कहीं डिमांड करते हैं, तो उसका थोड़ा असर मेरे में भी आ गया। अच्छा, ये होते हैं हाजिर जवाबी। वाह जी वाह, चलो जी। देखिए अभी हमने पेट्रोल कर्मचारी से पूछा कि सिर्फ पेट्रोल ही बढ़ा कि आपकी सैलरी बढ़ी, कहते हैं सैलरी नहीं बढ़ी, केवल पेट्रोल ही बढ़ा है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि सारी संपत्ति किस प्रकार मोदी जी संभाल कर एक ही जगह डाल रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। हमें भी एक अच्छी दृष्टि होना चाहिए सारा। आप मोदी जी के इतने गेस्ट क्यों हैं? मोदी जी की तारीफ कर रहा हूं, गेस्ट कहां हूं? अच्छा, तारीफ करो, कमाल है। अच्छा, हमें ऊंचाइयों तक ले आए, हम फकर से 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हैं, हम इस हम पहले हमारी औकात नहीं 100 रुपये का पेट्रोल डालने की। तो मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद हमें इतना ऊंचा ले जाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए फोटोग्राफी में क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए? फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। फोटोग्राफी की डेफिनेशन है, इट्स एन आर्ट डिटर्न बाय लाइट। जो लाइट से जो चीज़ अंकित होता है वही फोटोग्राफी होती है। हमें जो सबसे पहले फोटोग्राफी की लाइटिंग को समझना चाहिए, फोटो खींचने से पहले हमें फोटो पढ़नी जानी चाहिए। हम किसी तस्वीर को देखें तो उसमें देखना चाहिए हमें उसकी प्रकाश किस तरह उसके ऊपर छपा है, उसको देखते हुए अपनी हमें तो फोटो खींचते समय हमें एंगल वो लेना चाहिए जिस पे हमें एक अच्छा कंटूर मिले। फोटोग्राफी का जो पहला प्रिंसिपल है, और उसके बाद आ जाता है हमारे जो हथियार। जब हमारे पास फोटोग्राफी के अच्छे किस्म के लेंस ऑप्टिकल हो तभी हम अच्छे काम का नतीजा निकाल सकते हैं। और लेंस जो ऑप्टिकल है वो सिर्फ लेंस का काम करता है, लेंस एक पेन के निब की काम करती है। जितनी महीन पेन की निब होगी उतने प्यारा वो लिखेगा, और जो प्रकाश है जितने ज़्यादा प्रकाश होगा वो शाही का काम करती है, वो उसके ऊपर उतने ही रेजोल्यूशन का काम करती है। अरे वाह, और ये आज की डेट में कोई भी टीचर ये वाली डेफिनेशन नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं होगी। तो फाइनली एक शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, ये नहीं पता ये दाल आ गई है वो आ गई है। अरुण भाई इधर है, हम यहाँ पर हैं, लंच करने लगे हैं। ये हरचंदन भाई और ये अरुण पाठी। कलची साहब लग चुके हैं खाने के लिए। सर कितना खाना है? औसम अरुण भाई, औसम। और अब हम लेने लगे हैं भैया इसकी पहली बाइट विद दाल तड़का। ठीक है, प्रॉपर घर वाला खाना है यार, ये गलती है, पहली बार रुका हूँ यहाँ पर। फाइनली ये दिल्ली आपको समझ आई क्या होगा? ये आ चुकी है ना, आ चुकी है ना? जी हाँ बिल्कुल, बुरा आनंद माना, पूरे रास्ते में गानों का आनंद माना। हमारे पीछे दोस्त सो रहे थे, इनकी वीडियो पिछली चली है वो अपलोड कर दी है, कर दी गई है जी जी। और यूट्यूब ने ऑब्जेक्शन लगा दिए क्योंकि इन्होंने बोला, यूट्यूब ने बोला कि इन्होंने करोड़ों रुपए देने हैं यूट्यूब के। हाँ जी, खबर किया है मैंने। हाँ जी, मैं आपके अंबानी अदानी जी का चेला हूँ, ये काम मेरा पेशा है मेरा। और जो हमने रास्ते में आनंद किया, गाड़ी कम्फर्टेबल है, म्यूजिक आनंद तो था ही था। जो पीछे तीन महाशु महोदय सो रहे थे उनके घराणों की इतनी मधुर ध्वनि आवाज आ रही थी जो अपने आप में एक वो मेरी आ रही होगी, बेसिकली मैं कई दिनों का सोया नहीं हूं। हां, उसकी रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करेंगे, आप भी इसका आनंद मानेंगे। नहीं, अदानी अंबानी ने गाड़ी बड़ी नहीं थी फिर आपको? नहीं नहीं, हमारे पास गाड़ी अब ये है कि ये अंबानी गाड़ी से कम नहीं है, उससे बड़ी है। देखो घर से घर नहीं बनता, घर जब सदस्य हो तो बनता है। ये भी उड़ गया, गाड़ी का फ्लेवर तभी बनता है जब भी हमारी गाड़ी में परि मित्र बैठे हो तो भी इसका सफर का आनंद बनता है। इसलिए जिस जो भी गाड़ी है हमारे लिए, हमारे हजारों सफर साथ में तो वो गाड़ी है, अगर नहीं तो वो बस जो करो ट्रक है। तो ये भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया भैया, मास्क वूस डाल लो, अच्छा रहेगा। डालते हैं मास्क। तो फाइनली पहुंच चुके हैं भैया दिल्ली में, और यहाँ पर एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये था कि भैया कोई आने वाला है, थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस होने वाली है, और ये अरुण भाई भी कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहे थे। ये अरुण भाई तो अच्छे पैर ही दिखा रहे हैं, सिर्फ इनके पैर ही दिखा रहे हैं, पैर ही दिखा रहे हैं। तो ऑल सेट, यहाँ पर थोड़ा सा रिहर्सल चल रही है, अभी थोड़ी देर में साउंड चेक हो जाएगी।
ये साउंड लग चुकी है और अब चल रहा है साउंड टेस्ट। अब आपको बता ही देता हूँ भैया कौन आने वाला है। भैया आने वाले हैं नन अदर देन, आपको बाहर से दिखाता हूँ। बड़ी खुशी का दिन है बेसिकली, अंकल जी का बर्थडे है और अंकल जी को सरप्राइज दे रहे हैं। और सरप्राइज कैसा होगा वो एट ए टाइम ही पता लगेगा। लेकिन ये देखिए ये म्यूजिक शुरू हो चुका है, यानी कि साउंड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। गाबा का इवेंट आपने थोड़ा सा देखा होगा और फाइनली ख़त्म हो चुका है। और अब हम चंडीगढ़ के पास पहुंच चुके हैं। ये कल सी जी सोए हुए थे पूरे रास्ते में। हाँ जी सर फरमाइए जी, क्या फरमाएंगे? बहुत अच्छा है, बच्चे हैं, थोड़ा शरारती हैं, इनकी उम्र का तकाजा है वो ऐसे नहीं है, अच्छी बात है। पर इन्होंने खाने पीने की सेवा बहुत अच्छी की, सफ़र बहुत अच्छा रखा। गाड़ी के माइलेज के चक्कर में उन्होंने 2 घंटे गाड़ी लेट कर दी, अच्छा लगा मुझे। मतलब ये पूरा नंदी नंद था, बहुत मज़ा था, बहुत नंद। बट अल्टीमेटली ये फुल पैक ट्रिप ख़त्म होने की कगार में यहाँ पर सर ने डिमांड की थी। सर की डिमांड थी बहुत ज़्यादा यार, हर 2 मिनट में डिमांड करते हैं, कभी चिकन लाओ कभी ये लाओ। ओ सॉरी, क्या क्या मंगाया सर आपने? मैं खुशी बहुत बहुत चिकन खाया जी हमने जी, एक जगह मेरा नहीं कहता तुम तो ढाबे वाला कहता सर आपकी जगह काट के दे दूँ। मैं कहता दे भैया तो मैं चिकन ही खाता हूँ, वैसे तू चाय ला दी, अब चाय पीने बैठे हैं। और सुबह के कितने बज चुके हैं? सुबह के बज चुके 3:34, यानी कि थोड़ा और डिस्टेंस और पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। यहाँ से चंडीगढ़ कितनी दूर है सर? यहाँ से चंडीगढ़ होगा तकरीबन 35 किलोमीटर होगा, बस हम पहुँचने वाले हैं। बहुत जल्दी सर आप तो उतार लो, चाय ऐसी भी होगी क्या? छन के जाएगी चाय। सर आप भी उतार लो सर। पुतले नजर आए उनका व्यंग करके आते हैं। हाँ जी दिखाओ सर, आओ आओ सर, हम अब इनका व्यंग बताने जा रहे हैं जी। हाँ जी, आजकल पंजाब का सभ्याचार वैसे तो खो गया है पर इन्होंने सभ्याचार को बहुत संजो के बनाया है। इन्होंने यहाँ पुतले बना के रखे हुए हैं, मेरे जैसा कोई शराबी आदमी आता है वो चक्कर में आ जाता है, शायद मुझे बुला रही है। और उस तरफ उधर एक पुतला रखा हुआ है और जो नीचे पुतले रखे हुए ये बताया भी जो बिल नहीं देते उनका ये असर होता है और इसी डर में लोग पैसे दे के चले जाते हैं। और इन पुतलों का ये अलग अलग महीने हैं वो क्या कर रहे हैं वो हमारा जैसे भाई अपना बस ज़्यादा पानी लग रहा है। अच्छा ये दोनों इकट्ठे की पड़े। ढाबे का नाम है रामा पंजाबी ढाबा। हाँ जी। भाई फ्री में है ना? नहीं नहीं कैमरे में बोल दे। फ्री में नहीं। हाँ भाई फ्री में चाय मिलेगी? चाय फ्री में नहीं जी। कितने पैसे लगे? 20 की 1। भाई मैं तो बेटे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, खुद ही दे दो, आपको सुंदर भूमि मिलेगी, घर में लोगों का गाना जाना रहेगा, बड़ी अच्छी बात है। दे दोगे? हाँ दे दे, भाई ने बोल दिया कैमरे के सामने बोल दिया फ्री में देगा। भैया इसका नाटक कहाँ से खुलेगा?
कढ़ाई भी उसको जो खोल ना सके। कितने हो गए भाई? 40 रुपए हो गए। हेलो फड़ो ये लो भैया। अच्छा था, चाय अच्छी थी यार भाई। कोई इनका पैसे देके ना दे तो इनके पास सुपर फास्ट गाड़ी खड़ी है, इस पे इसको पीछा करते हैं और उसको वाले स्टॉप जाने से पहले पकड़ लेते हैं। चलो जी चले। तो ये कलसी जी अपना सामान निकाल रहे हैं, जीरकपुर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्या अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ से राजपुरा जाएंगे। अब वो हमारी जो मैं जो मुख्य औपचारिकता है उसको पूरा कीजिए। बात उसमें आप बताओ, मुझे पिछाड़ दोगे जी साहब? काफ़ी देर की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें। कैमरे की बैटरी कट के ला लो। आवाज़ें तो स्क्वाडा से ओ नहीं हुई, अब देखो स्टार्ट हो पाती है, धक्का मार दौड़ेगा। सो फाइनली ये बजूका वर्ल्ड का सफर एक और खत्म होता है, लेकिन ये सफर खूब सारा एंटरटेनिंग रहा, खूब सारी मस्ती हुई, धमाल हुआ और खूब सारी कॉमेडी भी हुई। आई होप आपने ये सफर एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक सब्सक्राइब ये दोनों ठोक दीजिए। इट्स ऑल अबाउट जूका बजूका, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। अगले एक बार व्लॉग में मिलेंगे, अभी मैं थक चुका हूँ क्योंकि सुबह के बज चुके हैं कितने, 5:29, सोने का टाइम आ गया। वैसे सो के अभी उठ जाता था, मैं कुछ दिनों से उठ रहा था, बट अब बाय कर देते हैं, सोते हैं।